ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप सभी को मैं डॉक्टर ब्रिज महन पतंजलि योगपीठ हरिद्वार हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। और भोजपुर जिले के सोभी डुमरा गांव में प्रारंभ किए गए 5 दिवसीय योग शिविर में आप सभी दिव्य आत्माओं का पतंजलि की तरफ से, स्वामी रामदेव जी महाराज की तरफ से कोटि कोटि नमन वंदन, हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। और अब हम लोग कपालभाति का अभ्यास करेंगे। कपालभाति का नाम सुने होंगे आप, और जो बच्चे नहीं सुने हैं उसको याद कर लेंगे। बोलिए कपालभाति, जोर से बोलेंगे कपालभाति, 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 याद हो गया। अब कपालभाति है क्या, कपालभाति करने से होगा क्या, कपालभाति कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। अब कपाल का मतलब होता है मुखमंडल और भाति का मतलब होता है चमक। तो जिस अभ्यास को करने से, जिस प्राणायाम को करने से मुखमंडल पे चमक आए, हमारे भीतर के विकार निकलने लगे और हमारे कर्म में परिवर्तन होने लगे, हमारे भोजन में परिवर्तन होने लगे, हमारे सोच और विचार में परिवर्तन होने लगे, तो इस अभ्यास का नाम है कपालभाति। अब ये अभ्यास कैसे करना है, इसमें झटके से प्राणवायु को, हवा को नाक से बाहर फेंकना है। जैसे हम छींकते हैं ना नाक से, तो छींकने का अभ्यास करना है। ठंडा का दिन है तो हो सकता है कि नाक से नेटा उटा निकल सकता है, तो घबराइएगा नहीं, उसको रोकेंगे नहीं, अंदर फेंक देंगे और गमछा से ऐसे पोंछ लेंगे। कारण कि ये अभ्यास करने से सर्दी बिल्कुल ठीक हो जाता है, हमेशा के लिए, जीवन भर के लिए। अब ये अभ्यास को 1 सेकेंड में 1 बार स्ट्रोक लगाना है, झटके से छींकना। एक बार छींक करके दिखाइए हमको, जोर से छींकिए। हाँ। और गर्दन को नहीं झुकाना है, कोई सा शरीर हिलना नहीं चाहिए। कंधा आपका, कंधा आपका ठीक रहे, मुख पर कोई आकृति में परिवर्तन नहीं हो, केवल नाक से हवा निकलेगा और पेट का जो इलाका है अंदर घुसेगा। जैसे एक और उदाहरण देते हैं आपको, ये दाहिने ये उंगली को उठाइए, तर्जनी को उठा लिया और नाक के सामने रखिए। इसको मान लीजिए कि ये मोमबत्ती है या दिया जल रहा है। अब इसको बुझाना है जलते दीपक को, तो पहले मुंह से फूकेंगे ऐसे, महसूस करिए पेट अंदर जा रहा है, पूरा जोर से फूकिए, रुक जाइए। अभी इस अभ्यास को नाक से करना है, मुंह बंद कर लीजिए और नाक से जोर से हवा को फूकेंगे ऐसे, पेट अंदर जा रहा है, हवा निकल रहा है। ये चीज कोई नहीं बताया था। ये तो ये सीखने के लिए ना, ये सीखने के लिए अच्छा होता है ये। हाँ, तो जोर से फूंकिए ऐसे। हाँ। पहले सोचिए कि बूझ नहीं रहा, और जोर लगाना पड़े, और जोर मारिए। हाँ। अब आंख बंद कर लीजिए, हाथ नीचे कर लीजिए। हाँ, हाँ। और ध्यान मुद्रा में बैठ जाइए और इसी अभ्यास को आंख बंद करके और 5 मिनट तक करेंगे। केवल जोर जोर से हवा को बाहर फेंकना है और हवा बाहर निकलते ही पेट का इलाका अंदर आपका घुसेगा, कोई आवाज नहीं, बिल्कुल शांत। इसमें प्राण की आराधना करिए, प्राण देवता है, प्राणेश्वर कहते हैं उसको, और प्राण ही हमारा मूल चीज है कि प्राण नहीं रहे तो हमारा अस्तित्व बिल्कुल खत्म हो जाता है। कपालभाति किनको नहीं करना है, पहले सावधानी सुन लेंगे। जिनको पेट का ऑपरेशन हुआ है वो इस अभ्यास को नहीं करेंगे, जिनको माथे में तेज दर्द है वो इस अभ्यास को नहीं करेंगे, और जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, बहुत तेज उच्च रक्तचाप है, वो इस अभ्यास को तेज गति से नहीं करेंगे, और माँ बहने गर्भावस्था में नहीं करना है, और पीरियड्स यानी मासिक धर्म के दौरान इस अभ्यास को माताओं बहनों को नहीं करना है, और बाकी सभी भाइयों को बहनों को इसका आनंद बहुत तन्मयता और एकाग्रता से करना है। तो आइए आनंद के साथ कपालभाति का अभ्यास करिए।
मन में कोई विकार विचार नहीं, शांत। इसमें सांस को लेना नहीं है, आपको केवल सांसों को बाहर फेंकना है और अपने आप इसमें सांस भर जाता है। जैसे कोई बैलून को दबाते हैं तो हवा उसमें से निकल जाती है और जैसे ही छोड़ते हैं वो गुब्बारा फिर भर जाता है। जैसे स्पंज देखे होंगे, स्पंज को दबाते ही वह सिकुड़ जाता है और छोड़ते ही वह स्वतः भी बड़ा हो जाता है, भर जाता है हवाओं से। वही अभ्यास करना है, सांसों को धरती से बाहर फेंकना, पेट के इलाके को अंदर स्वतः जाएगा और बाहर निकलेगा। ये जब अभ्यास करेंगे तो गैस की समस्या, कब्ज की समस्या, शुगर की समस्या, घुटने का दर्द हो, साइटिका हो, गठिया हो, अधकपारी हो, नकसीर हो, नाक से खून निकल जाता हो, बवासीर हो, चाहे वो बवासीर बाजी हो या खूनी हो, ये बांझपन की समस्या माँ बहनों में और भाइयों में नपुंसकता की समस्या को ठीक करता है। धातु संबंधी रोग को, यौन संबंधी रोग को बिल्कुल दूर करने वाला और कैंसर जैसे भयंकर और लाइलाज बीमारी को भी यह बिल्कुल ठीक करने वाला है। कपाल भाती करते रहिए अभ्यास। आप मन ही मन एक प्राणायाम मंत्र है, या तो आप जब जब सांस को फेंकेंगे तो आप ओम ओम मन ही मन बोलना नहीं है, केवल ओम 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 मन ही मन बोलो नहीं भैया, मन ही मन बोलना है। जब जब सांस को फेंकिए तो ओम ओम का उच्चारण करिए, या एक प्राणायाम मंत्र है, ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम महा ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम। हर झटके के साथ, हर स्ट्रोक के साथ इन पवित्र शब्दों को जोड़िए, उच्चारण को जोड़िए, या आप गायत्री मंत्र का भी जप कर सकते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो योनः प्रचोदयात्। करते रहिए अभ्यास। बहुत सुंदर अभ्यास हो रहा है। अब धीरे धीरे इस अभ्यास को रोकते हैं और ये अभ्यास करने से आपके अंदर, हमारे अंदर जो सेल्स हैं, जो कोशिकाएं हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं, जागृत हो जाते हैं। इसमें एक छूट गया आपसे।